वालेकुम तो कैसे हैं आप सभी उम्मीद खैरियत से होंगे तो आज तमाम भाइयों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप फ़ाइनल मेडिकल देते हैं पाकिस्तान आर्मी में ठीक है वो चाहे आप ट्रेनिंग सेंटर में देते हों या आप भर्ती दफ्तर में देते हों ठीक है तो फ़ाइनल मेडिकल पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जि जिनको वो इग्नोर भी कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो मस्ट हैं जो आपकी जब तक क्लियर नहीं होंगी आपको फ़ाइनल मेडिकल में फिट करार नहीं दिया जाएगा आपको ट्रेनिंग के दौरान भी उन्हीं मुश्किल का सामना करके आपको ट्रेनिंग से भी फारक कर दिया जाएगा तो वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं मैं तो आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाली मजीद वीडियोज की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके इसके अलावा आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट में गुड का अपना कमेंट भी रिव्यू लाजमी दें ठीक है और अगर आप यही वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपने हमारे फेसबुक पेज पे, पेज मिसिंग जॉब्स अपडेट्स को लाजमी फॉलो कर देना है ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी सबसे पहले मिल सके तो चलते अपने टॉपिक की तरफ जी तो गाइस जब आप फाइनल मेडिकल में भी बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे मसाले हैं जो आप घर में भी ठीक कर सकते हैं अपने आप की ठीक है तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी हाइट है चेस्ट है और जो आपका वेट है ये आप घर पे भी ठीक कर सकते हैं आपको इसका पता है आप हज़ारों यूट्यूब वीडियोस और फजूल वीडियोस देखते हैं तो यूट्यूब पे आप काम की वीडियोस ये हाइट और ये चीज़ें दे के अपने आप को क्लियर कर सकते हैं ठीक है अच्छा खाएं अच्छा पिए अच्छा पियो अच्छा जियो ठीक है तो ये इस तरह तो आपने जो फाइनल मेडिकल में ये अगर आपकी हाइट कम है तो फिर आप सिलेक्ट नहीं है वो हाइट चेस्ट और वज़न ये तीन चीज़ों के लिए आपको वो उसी वक्त निकालेंगे नहीं सबसे पहले मैयर यही करते हैं हाइट करते हैं उसके बाद चेस्ट करते हैं उसके बाद वेट करते हैं आपको फाइनल मेडिकल में वो निकालेंगे नहीं लेकिन आपके वो मार्क करके आपको टाइम दे देंगे कि भाई दस से पंद्रह दिन का आपके पास टाइम है आपने ये चीज़ें अपनी क्लियर करके लानी अभी जिसकी एक दो इंच हाइट कम हो वो दस पंद्रह दिन में किस तरह क्लियर कर सकता है या जिसकी चेस्ट कम हो ठीक है वो दस पंद्रह दिन में किस तरह एक दो इंच भरा सकता है और जिसका वज़न ज़्यादा हो या कम हो वो किस तरह भर बर, भरा सकता है या कम कर सकता है दस से पंद्रह दिन में कभी भी नहीं होता ठीक है वो सिर्फ डायरेक्ट आपको अनफिट नहीं करते वो आपको टाइम दे देते हैं ठीक है तो इस इतने दिनों में क्लियर करवा के लाओ तो ये बड़ा मसला होता है तो इसलिए फाइनल मेडिकल से एक मंथ पहले ही या एक से डेढ़ मंथ पहले अगर हो सके तो दो मंथ पहले अपने आप की तैयारी जारी रखें ताकि फाइनल मेडिकल में आपको ये मसला मसाइल का सामना ना करना पड़े ठीक है तो इस तरह अपने आप को आप क्लियर करवा सकते हैं ठीक है और ये चीज़ें आपकी मस्त हैं अगर इनमें से कोई भी चीज़ें आप आपकी कमी रह जाती है तो फिर आपको फंड मेडिकल में वो अनफिट कर देते हैं ठीक है तो दस से पंद्रह दिन में पता है आपको नहीं होता और आपको अनफिट हो जाते हैं ठीक है इसके अलावा आपकी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं जैसे बवासीर आपकी जो चेक होनी है वो लाजमी है आपकी टेस्टिस जो चेक होने हैं वो क्लियर लाजमी होने चाहिए ठीक है लेकिन अगर आपकी जो स्किन में कोई निशान है ठीक है तो फिर आपको जो है जैसे आप आशिक मशूकी में पढ़ के अपने निशान लगा देते हो आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया जाता है तो फिर आपको वहाँ से इतना मसला तो नहीं होता लेकिन वैसे अगर कोई रगर का निशान आ गया तो ये आपको फिट कर दिया जाता है वो कर देता है आपको चेक करके ठीक है ये इतना ख़ास मसला नहीं होता मेन मसला आपका यूरिन टेस्ट है ब्लड टेस्ट है ठीक है और चेस्ट एक्सरे ये तीन चीज़ आपके मेन टेस्ट हैं और हाइट चेस्ट और वजन ये छः मतलब तीन वो चेस्ट तीन वो चीज़ें जो आपने रेफ़र हो आपने चेक करवानी होती ख़र्चा करके ठीक है और तीन ये चीज़ें जो आपके उधर फाइनल मेडिकल में आपके या आराम सी जो मतलब होता है वहाँ से आपने चेक करवानी होती है ठीक है तो ये तीन चीज़ें आपके वहाँ से चेक होती मुकम्मल क्लियर होंगी छः चीज़ें टोटल हैं जो आपकी मस्ट क्लियर होनी चाहिए अगर आपको नोकने का मसला है तो आप घर में अपने आप को इस तरह फिट कर सकते हैं फुटबॉल लेना अपने अपने दोनों पाँव के नीचे रखना है पाँव को साइडों से फ़ुटबॉल के ऊपर टेरा रखना है ठीक है और उसके ऊपर ये ये प्रैक्टिस मुसलसल करनी है खड़े होना है ठीक है साइडों से ये ऊपर वजन नहीं डालना यह ना फट जाए तो साइडों से आपने खड़ा होना है ठीक है और जो अगर आपका फ्लैट फीट का मसला है तो टेनिस बॉल होती है उसको अपने पाँव के दरमियान वाली जो जगह होती है ना जो तली जिसे कहते हैं तो उस जगह पे आपने रखना ठीक है, है और आप क्लियर हो जाएंगे तो ये नोकनी का वो चेक करते हैं तो नोकनी और ये फ्लैट फिट इन दोनों चीज़ों से ठीक हो सकती है फुटबॉल के साथ आप नोकनी ठीक कर सकते हैं खेलें फुटबॉल के साथ बास्केटबॉल के साथ ठीक है और टेनिस बॉल के साथ आप अपनी फ्लैट फिट ठीक कर सकती हैं ठीक है बाकी हाइट चेस्ट का तो आपको पता ही है वजन का वो आप पर डिपेंड करता है तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना कमेंट करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा अगर अच्छी लगे तो ठीक है और न रहने दीजिएगा मैं समझ जाऊंगा ठीक है तो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाजमी फॉलो करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अला हाफज देखते रहे मिसिंग जॉब्स अपडेट्स